इसलिए घर जाऊँ लोग ऐसे फैन हो रहे, तुम ये मैंगो पाटा पजामा एक्स्ट्रा नहीं हो रही। वो कहती थी आप चुप करा ले और ज्यादा करेंगे मैंगो शेक बहुत ज्यादा है, मैं आने वाले बच्चे भी पिएंगे तो पापा इधर ही खड़े रहे हमारी स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ, ये अभी चल नहीं रहा लेकिन ये आप चार्ज करेंगे तो चल जाएगा। यार मेरे लिए प्लेट कम कर Hello everyone, this is me Hira Vessel and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत 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 स्पेशल होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि गर्मी आ चुकी है, गर्मियों की सौगात आ चुकी है यानी कि मैंगो। और आज मैं करने वाली हूँ सबकी मतलब हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलके मैंगो पार्टी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी शर्ट्स मैंने रेडी कर ली है, मतलब ये सारे ड्रेसेस मैंने रेडी कर लिए उन लोगों के लिए जो कि पार्टी में आने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो यही पहन के आए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ मैंगो है और मेरी ये वीडियो मैंगो को डेडिकेट की जाती है। सो अब हम वन बाय वन ड्रेस उठाएंगे और सबको उनकी ड्रेस देके इन्विटेशन देंगे कि भाई आ जाते हैं, बट पार्टी है सबने आना है, ठीक है, आ जाए आप भी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं जी ना बच्चे कहीं से आप ही, ये तुम्हारे लिए मैं ड्रेस लाई हूँ आज, मैंगो पार्टी और तुमने मैंगो पार्टी में आना है, मैंगो बन के आना। हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही, इतनी गर्मी, मैं बताती हूँ हवा कौन सी चल रही है, देखिए फ्रेंड्स ये सी की वो गर्म हवा है जो इसको अच्छी लग रही है। अच्छा मैंगो पार्टी में आने का एक रूल है, एक मैंगो से बनी डिश लेके आनी है और एक मैंगो से रिलेटेड शेयर लेके आना है भाई, ठीक है, और ये कपड़े पहन के आने हैं। मैं नहीं आ रही, मैं पेपर देने आ रही, निकलो तुम यहाँ से। यार मैंगो पार्टी मजा आएगा, ये फरमाइशें मत रखो किसी की, इनवाइट करके तुझे साडे घर आ रहा है, केक भी लेके आना, मिठाई लेके नहीं, मैं खाना अपना अपना भाई, मैंगो में मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मैंगो के, तो खाना अपना, तो हम मैंगो अपना खुद ही लेके आएंगे, छुरी ले आएंगे, नहीं सिर्फ मैंगो से रिलेटेड खाना। चलो ये पहन के आना है, बी ऑन टाइम। मुझे ये वाला दो कलर, अभी सेम है सारे, ये लो ये, नहीं ये कलर चेंज है थोड़ा, ये वाला प्यारा कलर है, तुमने पूरा मैंगो कलर मुझे दिया है, बाकियों के भी है ना, अब हम बाकियों को ढूंढते हैं सब किधर है फातिमा, लेकिन मैंगो खा के आगे उसने लिखा हुआ लेट मी स्लीप, उन मैंने सो दिया तो निकलो। हाँ तो मैंगो खा के बड़ी ज्यादा नींद आती है, तो किसने कहा मैंगो ना हो गया यार, खाना खाना जो भी खा लो खाना खा के आपको नींद आती है। मैं अपनी इतनी प्यारी लुक में किसी के घर जाऊँ लोग ऐसे फैन हो रहे, तुम ये मैंगो पाटा पजामा एक्स्ट्रा नहीं हो रही, आने आओ नहीं आना तो भी आना, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे बाकियों को कपड़े देने और इरिटेशन देने के, भाई आना है मैंगो पार्टी में, आओ अपना खाना खुद लेके आओ अपने, लेकिन कपड़े मैं दूंगी। ओके गाइस, तो अब मुझे यहाँ पे मिली है फातिमा और मैं तुम्हें देने आई हूँ नाइट सूट। आज रात कितने बजे, तकरीबन जितने भी मर्जी बजे, अब टाइम अपनी मर्जी का, लेकिन तुम्हें नाइट सूट पहनना है, एक मैंगो से रिलेटेड डिश लेके आनी है, कंपल्सरी है, ठीक है। ये क्या है, ये मुफ्त है, एक जबरदस्ती आके नाइट सूट दे रही हूँ, पर कह रही हूँ कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, मैंगो से रिलेटेड कोई डिश लेके आनी है और मैंगो से रिलेटेड कोई शेयर सोच के आना है। मैं मैंगो बना के ले आती हूँ पेपर पे। हम आए हैं अपनी मम्मी की तरफ जो के लिपस्टिक लगानी है। मम्मा आज रात को मैंगो पार्टी है, आपने मैंने पहले मैंगो बटन लिया, नहीं मतलब आपने ये पहना है ना, मैं आपका ये पहन, मैं टोपी में ये पहन, गंदा सा तो नहीं, मैंने जब येलो लिया हुआ है। चलिए ठीक है, आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन के आना, क्योंकि मामा है ना, तो मामा को इतनी सी छूट, मेरे पास येलो सूट है वो पहन, हां मामा को इतनी सी छूट दे रहे हैं, लेकिन आपने एक मैंगो से रिलेटेड डिश लेके आनी है और मैंगो से रिलेटेड एक शेयर सोच के, वो आपकी मर्जी है, वो आपका माइंड है, जो मर्जी लेके बता दो ना, लेकिन मैंगो से रिलेटेड होना चाहिए, सब मैंगो ही ले हैं। नहीं नहीं वो हर किसी का माइंड है ना, फिर उन्हें मैंगो ही खिलाऊंगी, आपने आना है सब बजे, हाँ हम रात के 9 बजे करेंगे, 7 बज रहे हैं अभी, मैंने आपको 2 घंटे दिए रेडी होने के लिए, ठीक है। वन एंड ओनली माय छोटी सिस्टर, माय लेस प्रिटी सिस्टर, लेस प्रिटी, नो मोर प्रिटी, थोड़ी प्रियर सिस्टर, अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिटी, जो भी कह रही है ये वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ मैंगो पार्टी का, तुमने ये वाले ड्रेसेस पहन के आने कंपल्सरी है, इसके बगैर पार्टी में एंट्री नहीं है, बहुत बहुत फूल पहन के गेंदे का फूल लगोगे, ठीक है, बस आ जाओ, ठीक है आ जाओ, ठीक। तुमने एक मैंगो से रिलेटेड डिश लेके आनी है, मैंगो से रिलेटेड डिश क्या होती है, जैसे मैंगो शेक हो गया, प्लीज ना रहा पहले, चलो सोचती हूँ, हाँ जेली मैंगो जेली, चलो 9 बजे पार्टी की टाइमिंग है, सब ने आना है, ठीक है ठीक है, चलो मैं थक गई हूँ सबको समझा, चलो ब्याह से जाने का कितना, और शेर भी 7 करोड़ वो कहते थे हम आम के हैं सूरत, बाद में बचा के रखना ना, अभी हम जैनब की तरफ जाते हैं, वो कहती थी आम खाना,
वो कहती थी आप चुप करा ले। और वी हैव द वन एंड ओनली ज़ैनब फैसल, जिसको हम अपना किसका इनविटेशन देने आए हैं। ज़ैनब पता है किस चीज का इनविटेशन देने आया तुम्हें? किसका? मैंगो पार्टी का। तुमने ये वाले चैलेंज है कोई? हाँ चैलेंज है कि आपने मैंगो की फूड खुद लेके आनी, अपना खाना साथ पैक करके टिफिन में लेके। मैंगो की फूड क्या होती है? मतलब मैंगो से रिलेटेड कोई भी डिश लेके आनी है। ये तुम्हारा माइंड है जहाँ तक काम करता है, ठीक है। मैं मुझे पता है मैं शॉर्ट नोटिस पे बता रही हूँ, तो कोई कुछ भी लेके आ सकता है। तो ये लो ये तुम्हारी शर्ट है। क्या मतलब करेंगे क्या लाके? नाचेंगे नाचेंगे मैंगो 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 कहते हैं। मैंगो पार्टी है, मैंगो खाएंगे, मैंगो चैलेंजेस होगी और मैंगो से रिलेटेड शेयर भी बोलना है। अच्छा ठीक है, सबने अपना अपना एक एक मैंगो से रिलेटेड शेयर लिख के आ जाओ, जो कि मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तैयारी करनी है जाके। ये पहनना लाजमी कंपलसरी वाला ड्रेस कोड है। चलो मैंगो जैसा ड्रेस लाया, पांचों बहनों का ड्रेस कोड है ये हमारा। सो सी यू इन द पार्टी गर्ल। ओके गाइस, तो सबको इनविटेशन देने के बाद सबसे पहले जिसने पार्टी होस्ट किया उसका रेडी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं रेडी होने लगी हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कुछ है ऐसी। सो तारा, दिस इज माई लुक फॉर द पार्टी। अभी कोई गेस्ट नहीं आया, सिर्फ होस्ट तैयार हो गया। वो कहते हैं बिकानी शादी में अब्दुल्ला दीवारा, ये अब्दुल्ला ही दीवारा होकर घूम रहा है। मतलब मेरी शादी, मतलब शादी नहीं, मतलब मैंगो पार्टी में अभी तक कोई नहीं आया, तो मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, मैंगो कट करने हैं। और थोड़े से यूनिक तरीके से आपको बताऊँ कि मैंगो किस तरह सर्व कर सकते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इन सबको कहा है कि डिशेज ये लोग लेके आएंगे, सो इनकी सारी सरदर्द है, जो लेके आएंगे वही खाएंगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्व नहीं करने वाली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मैंगो की कितनी तैयारी कर ली है। ओके गाइस, तो ये हमने मैंगो की ऑलमोस्ट मेरे अब्बा ने स्पेशली पता नहीं कहाँ से, मामा कहाँ से मंगवाई थी दो मैंगो की पेटियाँ? मुल्तान से, स्पेशली मुल्तान से ये दो मैंगो की पेटियां मंगवाई। अभी मुझे इनको कट करने और सर्व करना है वहां पे। मामा थोड़ी सी हेल्प करेंगी, ओ माय गॉड, मेरी मामा भी रेडी होके आ गई हैं। लेकिन सबकी एंट्री आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। इनको ना एक ट्रिक दिखाने लगी, अक्सर कोई जो मैंगो की जो एड्स होती है ना उसमें मैंगो इस तरह का नहीं होता, वो थोड़ा बॉक्स शेप में होता है, तो वो वाली ट्रिक दिखाने लगी हूँ, वो कुछ ऐसे होता है। आप लोगों ने हंसना हा हा ये तो हमें भी पता है, लेकिन मुझे अभी थोड़ी दिन पहले पता चला है। हम इसको इस तरह से कट करेंगे, फिर इसको इस तरह से कट करेंगे, बहुत ही पते की बात बता रही हूँ, इसमें कोई कानून का खजाना नहीं छुपा हुआ। वैसे ऐसे करेंगे एंड तारा, और इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे जो कि मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको सिर्फ एक टुकड़ा तोड़ना है ऐसे करके, और मैं थोड़ी सी खाने के मामले में ऐसे। और बहुत मीठा है। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं अब्रॉड में, जिनके पास मैंगो नहीं है, वो ये वीडियो ना देखें क्योंकि उनका दिल ललचाने वाला। तो हम इस तरह से कट करके सर्व करेंगे और फिर हम थोड़ा बहुत कंपटीशन भी कराएंगे। वॉइस आज मेरे हाथ एक नई चीज़ लगी है, सो मैंने सोचा कि हम मैंगो को ये ब्लॉग डेडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी यूज़ करने माइंस एस्ट्रोलॉजी के घर में आज मैंगो पार्टी का इनका किया जा रहा है। और हमारे जो फर्स्ट गेस्ट है वो है एस्ट्रोलॉजी की मम्मी, दीदी की मम्मी, जो कि अभी अभी आ रही है। देखते हैं कि आज आज अब आज, और देखते हैं कि मेरी मामा क्या लेके आई हैं। कच्ची लस्सी। ये क्या लाई है? मैं लेके आई हूँ कच्ची लस्सी। मामा दो आएंगे वापस? नहीं खाने की चीज़ नहीं है, मैं को उनको बताने नहीं चला, फिर खाओगी, बहुत अच्छी चीज़ है। पहली बात ये खाने की चीज नहीं है, मैंने कुछ डिश मंगवाई थी मैंगो से रिलेटेड। मैंगो के बाद ये कहते हैं आप कुछ और भी ले आती, पानी ले आती, आपने जरूर लस्सी की कसरत की है। तुम बाद में मुझे दवाई दोगे? चले ठीक है, अब अभी की एंट्री हो गया। मामा कुछ येलो पहन के आई है, पूरा येलो पहन ठीक है। और ये भी दिखाना है कि आपने शेयर क्या तैयार किया मैंगो से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारी अगली गेस्ट है, वो है हमारे घर का सबसे छोटा पीस जिसका भी रिसेंटली बूथ कट हुआ है, बहुत प्यारा, द वन एंड ओनली ज़ैनब फैसल। और ज़ैनब क्या लेके आई? मैं ये क्या लेके आई हो? क्योंकि मैंगो से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली थी इसे। मैंने होप सो आपको अच्छा सा शेयर भी याद करके आई हो मैंगो से रिलेटेड। मुझे लग रहा है सारे पेट मैंगो खा के बने भरेगा सबका, ठीक है। तो चले आपकी एंट्री हुई, जाके मैंगो वहां सजाते हैं, जाके सजाते हैं, बस इतना ही प्रोटोकॉल है। जो गेस्ट आप खाना भी वैसा ही लेके आई हैं, सिर्फ मैंगो को डेडिकेट करें समर सीजन। मैंगो अगली गेस्ट है, वो है द वन एंड ओनली इकरा कल।
सेलिब्रिटी की जगह कौन दी बेस्ट ब्लॉगर? तो जी दी बेस्ट ब्लॉगर इकरा अकर। अस्सलाम वालेकुम। आप पार्टी से आकर आपने एक थीम तोड़ दिया हमारा। गाइस इसके अंदर देखिए अंबिया भी होती है इस कलर की, नहीं जो छोटे कैरीज होती है इस कलर की, ठीक है? तुमने मैंगो कहा था ना, तो ये देखो जो मैंने कपड़े दिए थे वही पहन के आए थे, उसके अलावा लाल हो गया। यार क्या है, मैं तो सुबह से खबर रहा हूं अपने शूट में और मुझे कैरी कपड़े किए तुम पकड़ो। अच्छा ऐसे ये लाइक क्या हो? मैंगो शेक बहुत ज्यादा है, मैं मेरे आने वाले बच्चे भी पिए। बच्चे तुम्हारे शेक बल्कि तुम्हारे निकलो। चले एंट्री नहीं है आपकी क्योंकि आप बहुत साइड पे लग गए, आपको भी लिस्ट में मिलेगी फिर बताऊंगी। जो हमारी अगली गेस्ट है उनका नाम है राधा फैसल और देखते हैं कि अब वो क्या लेके आई है और होपफुली वो थीम के साथ आई है, सो हम उन्हें एंट्री दे रहे हैं। ये क्या लग रहा है? हेलो सब, कैसे हैं सब? तो कैसे हैं आप लोग? मैंगो पार्टी में आपका स्वागत है। तो आप क्या लेके आई हैं? मैं ये कह रही थी कि मैं ज्यादा मैंगो नहीं खाती, पिंपल आ जाते हैं। तो आप यहां पे क्या लेने आई हैं? मैंने मैं यहां से नहीं आई है। ऐसा गिफ्ट जो मैं लेकर आया हूँ, मैं ये लेकर आया हूँ क्योंकि ये येलो है। रबे कहीं से भी मैंगो वाली चीज नहीं है, कलर मैंगो हो सकता है लेकिन ये मैंगो से रिलेटेड नहीं है। मैंगो से रिलेटेड इस तरह से कि मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है, और वो भी हम खाते हैं, ये भी हम खाते हैं। थैंक यू सो मच इस बॉम्बी के लिए, निकले इधर से ले और ये ले लें। अंदर रियल बर्गर है, मैं झूठ नहीं बोल रही। बर्गर के अंदर मैंगो तो नहीं लगा हुआ? मैंने कहा था कि ये खा के सब बोर हो जाएंगे, सबको बर्गर की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू हमारी इतनी केयर करने के लिए। चले अब हम यहाँ पे जोड़ दो सारी चीजें, हम यहाँ जोड़ेंगे। अभी मैंगो की जो प्लेट है वो रेडी हो रही है, मेरे सब कह रहे कैसे बोली जा रही हूँ बार बार। सो जैसे ही हमारे मैंगो रेडी होते हैं, हम इसमें शेर और शायरी का सेशन शुरू करेंगे। इस पार्टी में इन्वाइट था, पापा को बल्कि इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, आना स्पेशल था क्योंकि ये सारे मैंगो की प्लेट का पापा लगे। So, हम वेलकम करते हैं रिवाइन का अपने डेयरी। अब देखते हैं वो क्या लाए। तो पापा इधर ही खड़े हो रहे जी। मैंने कहा शायद मैंगो खाने में जाए। नहीं अभी मैंगो नहीं खाने, अभी आप बताओ आप लेके क्या आए? खुद आया हूँ। नहीं कुछ खाने के लिए मिला रहा था ना मैंगो की डिश, वो रखी हुई। अच्छा ठीक है, मतलब चलो ठीक है, पापा को वैसे मैंने बताया भी नहीं था तो हम ऐसे चलते हैं, ठीक है? ओके तो अब हम वेलकम करते हैं पापा को। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, तो पापा आ रहे हैं हमारे बड़े खास मेहमान हरी। खाना पीना कुछ भी मैंने खाना, मैंगो कलर की बात हुई थी तो मैं उस हिसाब से चलिए चार्जिंग नहीं थी, वो इमरजेंसी में आया ना तो एडजस्ट कर लेना। मैंगो पार्टी का वो लग चुका है, बस हम अभी गेस्ट को बिठाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे शेर शायरी और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन डांस। तो अब हम क्या करेंगे, खिलाने लगे वो भी तुम देखो ना में क्या हो रहा है। अरे आपके मैंगो के ये साइड का पार्ट क्या उड़ गया यार, जो मारेगा उसको आंख पे कोई शेर सुनाना पड़ेगा। कोई कुछ लोग ऐसे जो छिलके भी खाते हैं। हेलो हेलो मेरा माइक बंद हो गया है। मेरे पेट में ज्यादा सब में इक्वली है। पापा चीटिंग कर रहे हैं, पापा ने चीटिंग की। राबिया ये क्या जादू मंथन पड़ा है कि सारे खत्म हो गए हैं? राबे के दही चीटिंग की उसने पहले चार जीते हैं और ये मामा जीत गए, मामा जीत गए, मामा विनर। मैं भी जीत गए, मामा विनर। हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।
लेकिन लस्सी तो पूरी नहीं आएगी। मैंने कहा मैं हमने भी खा लिया। एक एक सिप ले लेते हैं। अब जब जो खा रहे हैं उनको मैंगो पे कोई शेर सुनाना पड़ेगा। मैंगो पे शेर सुनाना हमें। हाँ, के शेर में आम वर्ड नहीं। लो, इजी। आम के आम। अच्छा। गुर्जियों के आम। इतना इतना सस्ता शेर। ये शेर नहीं है। हमारे उनके घर में कभी हम उनको देखते थे अपनी प्यामों को मेरी भारी है आम तेरी ये खुशकिस्मती है हम कभी तुमको देखते खाए हुए मैं इंसानों के डॉक्टर होते हैं इंसानों के डॉक्टर होते हैं और जानवरों के भी चीका भाई जानवर इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं और जानवरों के भी अगर सब्जियां फलों के भी डॉक्टर होते हैं तो शायद आम आज पैरों पे चल रहा होता है लगड़ा रहा होता ये कहना चाह रही अब मेरी बारी है मुझे भी अब कोई दो ना चलो मुल्तान पे मुल्तान के सिर्फ आम ही नहीं लोग भी मीठे हैं आम लोगों की शदीद कमी है हर कोई अपने आप को खास समझता है जैसे कि ज़ैनब बोल करती विनर का ऐलान कर रहे हैं विनर हमारे हैं मॉमी हम क्या बोल रहे हैं सेकंड ज़ैनब आई है मैं सेकंड आई हूँ मैं आई हूँ झूठी नहीं फर्स्ट मामा सेकंड ये थर्ड थर्ड मैं बाकी तीनों के चीटर राबा चीटर आई थर्ड राबा Like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share with us. I will be right back with another video.